मैहर से कांग्रेस प्रत्याशी धर्मेश घई ने कहा, हमारा मुकाबला भाजपा सरकार के 20 साल के भ्रष्टाचार से है। घई के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के बाद उन्होंने विधिवत अपना प्रचार शुरू किया। मैहर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी धर्मेश घई के चुनावी कार्यकाल का शुभारंभ सतना कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी घई ने कहा कि हम सबको मिलकर ये लड़ाई जीतनी है। अभी तक भाजपा की सरकार ने झूठे वादे कर जनता को धोखा दिया है, जिसके कारण आज आम नागरिक परेशान है। कांग्रेस ने हम पर भरोसा कर चुनाव मैदान में भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ लड़ने का मौका दिया है। ये मेरी लड़ाई नहीं, ये हम सब गरीबों की लड़ाई है, जिसे हर हाल में जीतना है। बदलाव के लिए मैहर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की जनता तैयार हो चुकी है। मामा और नाना की जो षड्यंत्रकारी नीतियां हैं उसके खिलाफ आज हर वर्ग, हर मतदाता कहीं ना कहीं प्रेरित है। आज किसान भाई परेशान है, आज आदिवासी भाई के साथ वो अत्याचार हो रहा है, आज हमारी महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ वो अत्याचार हो रहा है। मैहर के साथ साथ पूरी मध्य प्रदेश की जनता देगी और बदलाव करके इस बार मैहर से कांग्रेस का विधायक बनेगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमता की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।